तू जिद मत कैल करा, तू तनिको चिंता ना करा। अरे कैसे चिंता ना करूं? प्रणाम दादाजी। कहाँ जा रहे हो? देखिए ना दादाजी, राजा आजे हैले और आजे जाए के कहा तड़े। हाँ क्यों? अरे दादाजी अब यहाँ तो सब हो गए ना, फिर भी आगे दिन आई बम। तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, इस घर में तमाम काम पड़ा हुआ है और जाने की बात कर रहे हो। हाँ सब कुछ ठीक रहा ना तो कल ही भूमि का छेका हो जाएगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे दादा से मैं बात कर लूंगा। राजा बेटा अब तुहरा के रुका ही को पड़ी। ठीक बा दादाजी, अब भूमि के घर से विदा उखला के बादे हम जाएंगे। प्रणाम पंडित जी, कभी गोड़ लगा। प्रणाम जीते रहो। प्रणाम आपको भी प्रणाम। आवे में कोनो दिक्कत तो कितना ना हुई लखा। अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, अब तो सारे रास्ते ठीक हो गए हैं। हाँ बाबूजी चकचका गिल बा, अब कहे के बड़ुए। वैसे सच कहूँ तो यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सब चीजें अब ठीक हो गई। हाँ हाँ रखा। हाँ जी भाई जी, एक बात बताई जी, लड़का कोनो नशा वसा तो ना करेला ना? अरे ना ना भैया, हमार लड़का कोनो नशा ना करेला। बस समझे जी, ईश्वर की कृपा ऐसे ही बनी रहे तो सारा काम ठीक होगा। दादी वो लड़का के बा? अरे अपन बहुरिया के रिश्तेदार बा। लड़का तो बहुते सुंदर बा, अपन शिक्षा के ब्याह के बाद चलाई का? ठीक बात कहलू बहु, सुरेंद्र के ब्याह हो जाए द ओकर बाद बात करब। हे राजा कहा रहला, कालून के देख के आ गईला? नहीं अभी ओइजे बानी। काहे इतना ज्यादा पकावेला, बतावा ना ओइजा का भइल? अच्छा वहाँ एगो लड़की भाई ले और एगो लड़का भाई ला, आ जब तू वहाँ जाइए ना तो कनी के नाम रख दिए। इतना फालतू सवाल काहे पूछे तारी? अरे सब फाइनल हो गेला। और लड़का कैसन बा? सब प्रभु की लीला बा, लंगूर के हाथ में अंगूर। मतलब यह हम सोचा था नहीं कि तोरा जैसन खरखटही लड़की के ऐसन हीरो जैसन लड़का कैसे मिल गई है, समझ में नहीं क्या कुत्ता कहीं का। अच्छा तो लेन देन के बारे में कुछ कहना हो तो साफ साफ बोलिए। पापा एक बात का ध्यान रखिया, ओलो के सामने कौनो भी दान दहेज की बात ना करिया। अरे का बात करता, कहीं बिना दान दहेज के ब्याह होला? पता बा आज के युग में दान दहेज लेल बहुत बड़ा जुर्म बा, और दहेज के वजह से अगर हमार ब्याह टूटल तो हम आत्महत्या कर ले और ओकर जिम्मेदार तू रहबा।